पिछले महीने में 24 तारीख को एक संजय उर्फ लाला का हत्या हो गया था इधर कंकड़बाग क्षेत्र में। घर में घुस के उसको गोली मारी गई थी, साथ में उसकी बहन पर भी हमला हुआ था। तो उसका एक हफ्ते के अंदर विदिन अ वीक उसका उद्भेदन हमने कर दिया है। उसमें जो मेन है अभियुक्त रवि उर्फ अछवा, उसको पकड़ लिया है और साथ में उसका साथी है गोलू कुमार, दोनों का अरेस्टिंग पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए कर दिया। गिरफ्तारी इन लोगों की बाईपास थाना क्षेत्र, बाईपास जो है अपना नया बाईपास, वहाँ पे सूचना मिली थी कि ये घूम रहा है, तुरंत छापेमारी करते हुए उनको पकड़ लिया गया है। और हत्या के पीछे मेन मोटिव जो है ये संजय उर्फ लाला जो है, इसका भी एक अपना आपराधिक इतिहास रहा है। और जो मुख्य अभियुक्त है रवि उर्फ अछवा, उसके साथ इसका जो है आपसी विवाद भी था। और इसके ऊपर ये जैसे कि बताया गया है रंगदारी मांगता था, इसको ब्लैकमेल करता था या फिर दादागिरी टाइप, तो उस हिसाब से इसके पास मोटिव था कि ये हमें मार दे, इससे पहले हम उसको मार दें। अपराधी इसमें जैसे कि बताया गया है अभी और दो तीन लोगों का अरेस्टिंग बाकी, टोटल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि 5 है। तो उनकी बहन ने बताया 7 से 8 जो बदमाश थे वो घर के अंदर दाखिल हुए, तो 2 गिरफ्तारियां हुई तरफ से और अभी 5 जो अपराधियों के पास फरार चल रहे। मुख्य अभियुक्त जो है रवि, उसके बयान पे जो आया है उस हिसाब से अभी छापेमारी करके जो बचे हुए अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया जाए। बरामदगी इसमें पिस्टल हुआ है, उसके बाद जो जिस चाकू से मारा गया उसके बहन को, वो खाली राउंड 3 और 4 गोली है लाइव राउंड। रवि का आपराधिक इतिहास, ये पहले भी कॉन्ट्रैक्ट किलर था, ये पहले भी शूट मारने के मतलब हत्या करने के इसमें ये जेल जा चुका है पहले। नहीं अभी तक ये नहीं है, रवि का आपराधिक इतिहास हम निकाल रहे हैं अभी, अभी तक जैसे इन्वेस्टिगेशन में आता है फिर उस हिसाब से। सर हथियार एक ही यूज हुआ था कि और भी हथियार इसके साथ था, क्योंकि मौके से पिस्टल बरामद हुई थी जो अपराधी भागने क्रम में वहाँ पे छोड़े थे। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में एक ही है जो पिस्टल यूज हुआ है। कौन? रवि और ये जो लड़का की गिरफ्तारी, एक और लड़की गिरफ्तारी हुई, रहने वाला कहाँ का है? रवि जो है इंदिरा नगर, जहाँ पे अभी जो डेथ कर गया जिसका हत्या हुआ है उसी के घर के पास इसका घर है। और जो गोलू है जो दूसरा अभियुक्त है वो नवरत्नपुर का रहने वाला है। कंकड़बाग में कहाँ पर छिपे हुए थे? लगातार पुलिस छापेमारियाँ कर रही थी, ये कहाँ पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था? ये भाग गया था, अभी ठिकाना कहाँ बनाए हुए थे ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट।